18 तारीख के ईश्वर वरदान में आप सबका स्वागत है। आज परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि कल जैसे वरदान में जो कहा था कि हमें बिंदु स्वरूप बनना बहुत जरूरी है। बिंदु स्वरूप बनना मतलब कि अब सारा पार्ट खत्म हुआ। अब जैसे वाइंड अप करते हैं ना कोई भी चीज, जैसे कि लास्ट मूवी का सीन चल रहा हो तो हर चीज को वाइंड अप किया जाता है कि चलो लास्ट का शॉट रह गया है, बाकी चीज जो काम नहीं लगने वाली है सामान वामान उसको वाइंड अप करो, लास्ट शॉट है। उसी तरीके से जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है तो लास्ट लास्ट का जब काम चल रहा होता है बोलते चलो अपने सारे जितने भी औजार हैं सब उसको वाइंड अप करो, ये काम के लगने वाले नहीं है। उसी तरीके से ये ड्रामा में जब अंत का समय आता है तो एक तरफ दुनिया बिल्कुल एक्सपेंशन में जारी होती है और एक तरफ क्या होता है, परमात्मा आकर के कहते हैं कि बच्चे वो लोग तो एक्सपेंशन में जा रहे हैं, बेहद में जा रहे हैं दुनियावी चीजों में, आप उन हद की चीजों को वाइंड अप करो, दुनियावी इच्छाओं को वाइंड अप करो, क्योंकि वो सब कुछ सामने मिट्टी में मिलने वाला है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बिंदु रूप में स्थित रहे। तो जब वाइंड अप करेंगे तो हमारी सारी पावर जो होती है वो फैलने की जगह क्या होती है, वो कंसंट्रेट होनी शुरू होती है और वो कंसंट्रेट होकर के सिर्फ एक के साथ जुड़नी शुरू होती है। नहीं तो अगर चारों तरफ अगर बुद्धि जारी हो, बच्चों में बुद्धि जारी हो, घर बार में बुद्धि जारी हो, आगे फ्यूचर के प्लान्स में बुद्धि जारी हो, नाते पोती ये सब कुछ बुद्धि जारी हो, पैसा कमाना डबल करना ट्रिपल करना, ये सारी चीजों में जब बुद्धि जारी होती है तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि फिर मेरे में लग नहीं सकती 100%। फिर प्राप्ति भी उतनी होनी है, खुशी भी उतनी होनी है और सुख भी उतना ही होना लिमिटेड हद में। तो बिंदु रूप में स्थित रहे सार युक्त, दुनिया का सार क्या है, सारे जगत का सार क्या है, कलयुग का सार क्या है और ज्ञान का सार क्या है, योग युक्त, परमात्मा से योग युक्त होकर के युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले, युक्ति युक्त का के स्वरूप का अनुभव करने वाले, कि कोई भी चीज को कार्य को करने में युक्ति कैसे लगानी जिससे कि सबका भला हो, अपना भी हो और औरों का भी भला हो, समय भी बचे और पैसे भी बचे, अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव। विस्तार में सुनते हैं इसके, परमात्मा कहते हैं क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय, क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, टेढ़ा होता है ना, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है, थोड़ा सा सीधा होता है लेकिन बीच में बिंदु जाती है, क्या है क्या नहीं है, और बिंदु फुल स्टॉप मतलब क्या, बस इतना ही है, मतलब कि कंफर्म्ड है। जाने के बजाय हर बात में बिंदी लगाओ, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, होगा नहीं होगा, जीवन क्या हो रहा है, आगे क्या कर रहे हैं, ये मेरे पार्ट में है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन, जैसे मुझे भी आज क्वेश्चन आ रहे थे बहुत सारे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये दुनिया में अभी जीवन में कर रहा क्या हूं मैं, चाहे लौकिकता में चाहे अलौकिकता में। तो परमात्मा कहते हैं उसमें बिंदु लगाओ, बिंदु रूप में स्थित हो जाओ तो सार युक्त योग युक्त, यहां मेरा योग किस लगे, परमात्मा से लगे, मुझे और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इंसान से ना, इंसान से पूछने की जरूरत है ना, मुझे भौतिक दुनिया में इसके आंसर्स ढूंढने की जरूरत है, ये सारे आंसर्स मेरे अंदर हैं और मुझे दिखाने वाला मुझे मेरा परमपिता परमात्मा है। योग युक्त 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 स्वरूप का अनुभव करेंगे, स्मृति मतलब याद, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे, परमात्मा की याद और ज्ञान की याद, जो हमारे बोल होंगे और जो हमारे कर्म होंगे वो समर्थ हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, वो लोग उसको वेटेज के साथ में लेंगे। बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो क्यों, क्या के व्यर्थ बोल, बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो कितने पहलू निकल जाएंगे, आप सोचिए जरा, एक ही चीज के अगर आप किसी एक भी टॉपिक को लेंगे, पैसे को लेंगे, रिश्ते को लेंगे, धन संपत्ति को लेंगे, घर बार को लेंगे, एक ही चीज के कितने विस्तार निकल जाते हैं। परमात्मा कहते हैं उस विस्तार में आकर के फिर क्वेश्चंस उठेंगे उठेंगे, क्यों क्या कैसे मेरे साथ ऐसे क्यों कब होगा क्या होगा। तो परमात्मा कहते हैं व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गवा देंगे, जिससे कि क्या होता है फिर हमारा बुद्धि योग नहीं लगता परमात्मा से, क्योंकि सारी बुद्धि चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाती है। उसको परमात्मा कहते हैं उसको बुद्धि को समझाओ, फुल स्टॉप लगाओ इस बात को, ये व्यर्थ बातें इसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्या होगा कैसे होगा बाबा जाने, भगवान जाने, परमात्मा जाने, अल्लाह जाने, हमें बस कर्तव्य करना है, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो ट्रस्टी हूं, क्या होगा कैसे होगा कब होगा वो तब होता है जब मेरा मेरा हम समझते हैं, तब घबराहट होती, मेरा है ये, मेरी चीज है, मेरी चीज को क्या होगा, मेरा कुछ है ही नहीं, हमने जो मेहनत भी करी हुई है इस दुनिया में वो मेहनत करने की बुद्धि किसने दी हुई है, परमात्मा ने दी हुई है, जो भी कार्य कर रहे हैं चाहे पैसे कमा रहे हैं चाहे घर संपत्ति चाहे बच्चों को संभाल रहे हैं, सब कुछ कौन बुद्धि दी है, किसने दिया, परमात्मा ने, लेकिन वो चीजें किसकी है सारी, जो हम किसको अपना बच्चा कह रहे हैं, अपना पति पत्नी कह रहे हैं, किसको किसको बिलोंग करते हैं, परमात्मा को करते हैं। तो फिर मैंने किया, मैंने संभाला, मेरा आइडिया था, मेरी बुद्धि थी, ये सब कुछ रॉन्ग हो जाता है, ये अभिमान की निशानी है, शून्य बनना बहुत जरूरी है, तब जाकर के क्यों क्या कैसे कहां कब कौन करे ये क्वेश्चंस आने बंद हो जाते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं
व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गवा देंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा। इसलिए बिंदु, जंगल कौन सा जंगल है ये? संसार में चारों तरफ क्यों क्या कैसे की घबराहट वाला जंगल। लोगों से इच्छाएं रखेंगे आजू बाजू और सोचेंगे मैंने अच्छा किया तो वो भी अच्छा करें, ये सोच करके अगर आप आगे चलेंगे तो फिर आपने अपने लिए ही जंगल, बल्कि आपने अपने लिए ही कवच हटा करके कांटे तैयार करके रखेंगे, वो कांटे कब आए और मुझे चुभाएं। तो इसलिए निकलना पड़ेगा जंगल से, अपना ही क्रिएटेड जंगल है, अपने मन बुद्धि में क्रिएटेड जंगल है, इससे निकलना बहुत जरूरी है। इसलिए बिंदु रूप में स्थित रहे, सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। बिंदु स्वरूप में स्थित रहे कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों, पांच जो मेरी इंद्रियां हैं, कर्म करने वाली भी इंद्रियां हैं, इनको मैं अपने गुणों और शक्तियों के द्वारा चलाऊं, मैं अवगुणों के द्वारा नहीं। तब जाकर के क्या होगा, हम योग युक्त युक्ति युक्त रह पाएंगे और सार युक्त रह पाएंगे और परमात्मा से जुड़े रह पाएंगे। नहीं तो दिन भर अगर हमने व्यर्थ कर्म किए इन कर्मेंद्रियों के द्वारा, तो ये कर्मेंद्रिय बोलेंगी हाय मैं थक गई, और फिर कर्मेंद्रिय बोलेंगी चलो मेरे अनुसार चलो। तो ये सब कुछ ना हो, इसके लिए हमें आध्यात्मिक विद्या की बहुत जरूरत है और परमात्मा से सदाकाल जुड़ने की बहुत जरूरत है और अपने आप को बिंदु समझ करके हर कार्य करने की बहुत जरूरत है। मैं आत्मा बिंदु हूँ, ना मैं माँ हूँ, ना बाप हूँ, ना बेटा हूँ, ना बच्चा हूँ, ना कुछ हूँ, ना पति हूँ, मैं शून्य हूँ। मैं यह अनुभव करना बहुत जरूरी है इस सारे ज्ञान का। ओम शांति के साथ।